हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है कौन सा दिन है? आज वेनसडे और सुबह की 7 बज गई है और मैं जा रही हूँ, आ गई हूँ मैं अपने किचन में। और किचन में मैं क्या बनाऊंगी? ये सोयाबीन का सब्जी, सोया बड़ी का सब्जी बनाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड ने कल शाम को लेके आए थे 2 पैकेट सोया बड़ी का, ये पैकेट, और मैं इसी का सब्जी बनाऊंगी और पराठा बनाऊंगी। इसका रेसिपी मैं आपके लिए आपके साथ शेयर करूंगी और देखते हैं कैसा बनेगा मेरा रेसिपी और पराठा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं गैस में इसको पानी में भिगो दूंगी, या मतलब बॉईल करूंगी इसको। मैं 5 मिनट इसको मैं गैस में ऑन करके रख दूंगी और 5 मिनट के बाद ये बॉईल हो जाएगा। तो अब क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए मैंने इसको बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको पहले भिगो के रख देती। मुझे पता नहीं था, मैं जो मुझे कौन सब्जी बनेगा वो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने अब इसको मैं 5 मिनट गैस में उबाल लूँगी। मैं सोच रही थी छोटा छोटा होगा, लेकिन इसमें तो बड़ा छोटा मिक्स होके आ रहा है। सोयाबीन कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब बड़ा को कट करके रखूंगी और छोटे को नहीं कट करूंगी, क्योंकि मुझे छोटे छोटे चीज पसंद आती है और बड़ा चीज इतना पसंद आता है। जो बड़ा होता है मैं उसको कट करके बनाऊंगी। और इसमें मैंने थोड़ा पानी डालूंगी। हाँ, इसको मैंने 5 मिनट इसको उबाल लूंगी, तब ये सॉफ्ट हो जाएगी। अभी टाइट है, इसको सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट लगेगी। तब तक मैंने 2 आलू काट कर लूंगी। इसमें आलू मिक्स करके बनाने में थोड़ा अच्छा होती है, इसलिए मैंने 2 आलू काट करूंगी मिक्स करने के लिए। ये मैं कुकर में बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में, क्योंकि कढ़ाई में बनाऊंगी तो मुझे इतना टेस्ट नहीं लगती है। और कुकर में बनाऊंगी थोड़ा अच्छा टेस्ट आती है, तो मैं ज़्यादा सोयाबीन की सब्जी में कुकर में ही बनाती हूँ। ये आलू छोटा छोटा है इसलिए मैंने 3 आलू ले लिया है, क्योंकि मुझे लगा बड़ा आलू होगा इसलिए मैंने 2 बोला था, लेकिन ये छोटे छोटे आलू है इसलिए मैंने 3 आलू ले लिया है। और ये सोयाबीन में मिक्स करके बनाऊंगी। और एक टमाटर, क्योंकि मेरे पास टमाटर खत्म हो गए हैं, क्योंकि आज वेनेस्टे है। ये हमारे बगल में आज सब्जी का मार्केट लगेगी, तो मैं शाम को। और मैंने ये आलू भी कट कर लिया है। ये आलू इस टाइप के कट करती हूँ, जब भी मैं प्रेशर कुकर में सब्जी बनाती हूँ तब तो मैं इस टाइप के आलू कट करती हूँ। लंबी टाइप के आलू कट नहीं करती, जब मैं भुजिया टाइप की सब्जी बनाती हूँ तो लंबी वाली कट करती हूँ। अभी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इस टाइप की शेप में ये आलू कटिंग करती हूँ। और मैंने प्याज भी कटिंग कर लिया है इस साइड में, और टमाटर भी, एक टमाटर था कटिंग कर लिया है, कटिंग करके मैंने रेडी कर लिया। तो ये लग रहा है मुझे पक गया है, और हाँ पूरा सॉफ्ट हो गया है। आप हाथ से भी टेस्ट कर सकते हो और चम्मच से भी आप टेस्ट कर सकते हो कि सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं इसको गैस ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको निकालती हूँ एक थाल में, प्लेट में। देखो फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इसको भिगो के रख देना आधा घंटे के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप गैस में भी इसको उबाल के सॉफ्ट कर सकते हो। और मेरा ये सारा सोयाबीन सॉफ्ट हो गया है, और मैं ये बड़े बड़े शेप में जो है ना सोयाबीन, उसको मैं छोटे छोटे शेप में कट करके रखूंगी। और जो छोटा है तो उसको कट करने की कोई जरूरत नहीं है, और बड़े को ही मैं कट कर लूंगी। थोड़ा ठंडा होके आप कट कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज्यादा लेट हो गई है और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इसलिए उनके लिए जल्दी बनाना होता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ इसको। और मैं ये सारा सोयाबीन भी मैंने कट कर लिया है, बड़े बड़े सोयाबीन को मैंने कट कर लिया है।
जो छोटे छोटे शेप में थे ना ऑलरेडी, उसी टाइप में मैंने कट कर लिया है, सारा कट लिया कर लिया है। अब इसके लिए मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। थोड़ा ये अंदर, इसके अंदर पानी है, पानी सोखने के बाद ही हमें तेल डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी जब तक रहता है तब तक ये हम तेल डालेंगे लगता है ना अजीब सा होता है, तो हमें ये सोखने के बाद ही हमें इसमें तेल डालना चाहिए। और ये मेरे सूख गया है, मैं इसमें तेल डाल दूंगी। हम लोग इस टाइप के तेल यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये तेल गर्म हुआ या नहीं उन्हें पता करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे करना होती है। अगर ये गर्म हो गया तो ये धुआं थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया, तो हम एक दाना जीरा डाल के भी देख सकते हैं। हाँ, तो एक दाना जीरा डाल के हम देख सकते हैं। हाँ, गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं जीरा डालूंगी, और जीरा डालने के बाद मैं इसको ये प्याज डाल दूंगी, और प्याज डाल के मैं थोड़ा ब्राउन होने तक थोड़ा भूनूंगी इसको। हाँ, ये अब आलू थोड़ा सॉफ्ट हो गई है, और इसमें मैं ये डाल दूंगी सोयाबीन, और इसको डाल के मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसको सोयाबीन डाल के मिक्स कर लिया। और क्योंकि आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई है, और सोयाबीन तो पहले से सॉफ्ट था, उसको उबाल लिया था, तो मैंने इसको ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम इसको सीटी नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये हमें रोटी के साथ खाना है, तो मैं इसमें पानी कम डालूंगी। अगर चावल के साथ खाना होता तो मुझे थोड़ा पानी डालना होता, तो मैं ये थोड़ा पानी कम डाल दूंगी इसमें। और मैंने ये थोड़ा इसको गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ, और मैं इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी पराठा के लिए। ये मैंने सब्जी इस तरह का बन गया है, और अच्छा लग रहा है देखने में, और लग रहा है मुझे टेस्टी होगा। और आप भी घर में ऐसे सोयाबीन का सब्जी और आलू डाल के प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, और आपको फैमिली को भी खिला सकते हैं। अगर आपकी ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना। इसके साथ मैं पराठा भी बनाई हूँ, इस टाइप का पराठा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, तो इसके साथ मैंने ये सब्जी और ये पराठा बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।